DFCCIL लोको टेस्टिंग, न्यू उडना रेलवे स्टेशन के पास मैं अभी सूरत कड़ोदरा रोड पे न्यू उडना रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ पे पहले डीजल का लोको टेस्टिंग हुआ था, अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन का लोको टेस्टिंग हुआ गोठान से भेस्तान तक। इट्स अ बिग अचीवमेंट, काफ़ी बड़ा काम है। ये न्यू उडना रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अभी लोको यानी कि इंजन का, इलेक्ट्रिक इंजन का चला के चेक किया कि ये रूट बराबर है कि नहीं। ये अपलाइन में था, अपलाइन का मतलब होता है कि बम्बई की ओर जाने वाली लाइन, डाउनलाइन यानी कि बम्बई से आने वाली लाइन। बम्बई से आने वाली लाइन में ऑलरेडी गुड्स ट्रेन का टेस्टिंग हो चुका है, आज ये अपलाइन में। पहले डीजल इंजन का टेस्टिंग हुआ था, डीजल इंजन का, अभी ये इंजन इलेक्ट्रिक इंजन का टेस्टिंग हुआ है। थैंक यू। सूरत DFCCIL, मैं अभी न्यू उडना जंक्शन के स्टेशन पे हूँ। यहाँ पे सूरत से कड़ोदरा जाने वाले रोड पे ये नया DFCCIL यानी कि गुड्स ट्रेन के लिए स्पेशल एक नया रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम न्यू उडना रेलवे स्टेशन है। ये DFCCIL की जो गुड्स ट्रेन जाती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया बनाया है। यहाँ पे चार लाइन है यानी कि दो मेन लाइन है और उसके साथ साथ दोनों साइड एक एक लूप लाइन है। एक एक लूप लाइन का मतलब होता है कि वो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी लूप लाइन है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ट्रेन को अगर कुछ समय के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेन को कुछ समय के लिए रुकना हो तो यहाँ पे वो रुक सकते हैं, या तो फिर किसी ट्रेन को आगे ले जाना हो साइड पर रख के तो भी यहाँ से हो सकता है, उसको साइड पर करके दूसरी ट्रेन को आगे ले जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे न्यू उडना स्टेशन है, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा लूप लाइन के साथ। देखिए ये काफ़ी बढ़िया बनाया है, DFCCIL का, बम्बई दिल्ली DFCCIL का है। और ये देखिए यहाँ से राइट हैंड, ये जो मैं जहाँ पे देख रहा हूँ वहाँ पे आगे सूरत से कड़ोदरा रोड है, फिर इसके आगे सूरत से सठाना कामरेज रोड है, फिर उसके आगे तापी नदी है, तापी नदी को क्रॉस करके गोठान की ओर जाता है, गोठान से फिर मेन रोड की लाइन पे बौड़ा की ओर जाता है। ऐसे कि अगर यहाँ से साउथ में हम देखें, ये साउथ डायरेक्शन है, तो यहाँ से ये लाइन आगे भेस्तान की ओर जाती है और यहाँ पे आगे जाके टापटी लाइन के, टापटी वैली लाइन यानी कि उडना चलथान बालडोली जलगांव लाइन के साथ इसका इंटरलॉकिंग है, यानी कि किसी ट्रेन को अगर टापटी वैली लाइन में जाना हो या आना हो तो यहाँ से आगे नियोल से वो जा सकते हैं। अभी आज इसका लोको टेस्टिंग है, वो भी इलेक्ट्रिक लाइन का, ठीक है। थैंक यू।